जी हाँ दोस्तों, आज मैं याद कराऊंगा आपको त्रिकोणमिति के 48 सूत्र, मतलब 48 फार्मूला। और मात्र एक ही ट्रिक से आप उसको याद करेंगे, और ट्रिक भी मैं आपको आज अच्छे से क्लियर से बताऊंगा। ट्रिक आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि आपको ट्रिक अच्छा ना लगे, ना पसंद आए, ना अच्छा लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, हम इसको शुरुआत करते हैं और 48 सूत्र मैं आपको गिन के याद कराऊंगा, ठीक, एक ट्रिक से। तो देखिए क्या होता है, आपने पहले इसको पढ़ा होगा, मतलब इसको देखा होगा कि निर्देशांक ज्यामिति में कक्षा 10वीं के हैं तो, क्योंकि 10वीं से ही ये चालू होता है त्रिकोणमिति, ठीक। तो जो यहाँ ये अक्ष होते हैं, ठीक ना, इनको अक्ष बोला जाता है। जैसे ये एक्स अक्ष कहलाता है, यहाँ वाई अक्ष, यहाँ एक्स डैश अक्ष, ये वाई डैश अक्ष, इसको आपने देखा होगा निर्देशांक ज्यामिति पाठ में। तो देखिए यहाँ जो होता है फर्स्ट में इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब फोर्थ चतुर्थांश। सॉरी, यहाँ गलत लिखा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ चतुर्थ और यहाँ तृतीय, गलत लिखा हुआ है। यहाँ होगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश और फिर यहाँ होगा तृतीय चतुर्थांश, ठीक। तो यहाँ आपका है देखिए प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए हम त्रिकोणमिति मान यहाँ कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से देखिए, हम यहाँ से देखें तो यहाँ हम जीरो अंश मान के चलें, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण यदि हम लेंगे, चांदा से आप नापेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 से 90 डिग्री, ठीक, मतलब 0 से 90 अंश। और फिर इधर हम आगे चलें तो यहाँ आप क्या आ जाएगा, यहाँ 0 से 90, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 90 से 180। ध्यान से समझिएगा, यहाँ आएगा 90 से 180 डिग्री, 90 अंश से 180 अंश। उसके बाद हम यहाँ आगे चलें, यहाँ आगे तो क्या आएगा, 180 अंश से 270 अंश। कितना आएगा, 180 अंश से 270 अंश। यहाँ आगे चलें यहाँ तो यहाँ कितना आएगा, 270 अंश से 360 अंश, ठीक, मतलब 270 अंश से आएगा 360 अंश, ये आपके आएंगे, ठीक। यहाँ 0 से 90 अंश, फिर 90 अंश से 180 अंश, 180 अंश से 270 अंश, और 270 अंश से 360 अंश। अब देखते हैं आगे, और देखिए त्रिकोणमिति में जो 6 फलन होते हैं, कौन कौन से 6 फलन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कासेक, ठीक, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो ये फलन आपस में चेंज कैसे होते हैं, तो ये देखिए यहाँ बताता हूँ मैं आपको चेंज कैसे होते हैं। साइन थीटा कोस थीटा में चेंज होता है, मतलब साइन थीटा चेंज होता है कोस थीटा में, और कोस थीटा आपका चेंज होता है साइन थीटा में, ठीक, ये कॉमन ट्रिक है। कोस साइन थीटा चेंज होता है कोस थीटा में, और कोस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। उसके बाद टेन थीटा आपका चेंज होता है काट थीटा में, टेन थीटा आपका चेंज होता है कोट थीटा में, और कोट थीटा आपका चेंज होता है टेन थीटा में, ठीक, साइन थीटा कोस थीटा में, कोस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कोट थीटा में, कोट थीटा टेन थीटा में। उसके बाद अब सेक थीटा आपका चेंज होगा कासेक थीटा में, सेक थीटा चेंज होगा कासेक थीटा में, और कासेक थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में, ठीक, मतलब सेक थीटा चेंज होता है कासेक थीटा में, कासेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में। अब यहाँ देखते हैं तो देखिए यहाँ क्या होता है, आल फलन, ठीक ना, यहाँ सभी आल पॉजिटिव, मतलब यहाँ सभी फलन जो होते हैं 6 फलन, साइन कोस टेन कोट सेक कासेक, वो सभी पॉजिटिव होते हैं। मैं इस ट्रिक से आपको बताऊंगा, पहले आप इसको या बढ़िया से देख लीजिए, ठीक। उसके बाद
सेकेंड में आपका है यहाँ, यहाँ क्या होता है आपका साइन एंड कासेक। साइन एंड कासेक क्या होते हैं, कासेक नेगेटिव माइनस अदर, अदर मतलब अन्य जो भी बचे, साइन और कॉसेक छोड़कर जो भी बचे टेन कोट सेक और कास, ठीक वो सभी होते हैं, मतलब नहीं ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन और कासेक पॉजिटिव से सदर नेगेटिव। ठीक, प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन और कासेक पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। थर्ड में आपका होता है टेन एंड काट, पॉजिटिव टेन और कॉट जो होते हैं वो पॉजिटिव होता है, अदर अदर जो भी बचे मतलब अन्य सभी फलन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, अन्य सभी फलन नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल सरल ट्रिक है, एकदम सरल, आप ध्यान से इसको समझिएगा, उसके बाद आपको अच्छे समझ आ जाएगा। एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। देखिए यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर क्या होते हैं, नेगेटिव। अरे जो चतुर्थ चतुर्थांश है यहाँ क्या होता है, कास एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, अदर अदर जो भी फलन बचे अन्य फलन वो नेगेटिव होते हैं। मतलब देखिए प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, तो एक फलन और उसका अपोजिट फलन पॉजिटिव, बाकी शेष नेगेटिव। यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर नेगेटिव, यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे देखिए, अरे जो चेंज होता है, ठीक चेंज जो मैंने आपको बताया कि साइन चेंज होता है कास में, टेन चेंज होता है कोट में, और सेक कोस होता है कासेक में, उसी प्रकार कोस चेंज होता है साइन में, कोट चेंज होता है टेन में, कासेक चेंज होता है सेक में, और चेंज किस में होता है, ठीक ना, चेंज होता है सिर्फ 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा। इसको आपको याद रखना है कि चेंज होता है केवल 90 अंश प्लस माइनस थीटा में और 270 अंश प्लस माइनस थीटा में, मतलब 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा में केवल चेंज होता है, और नो चेंज, चेंज नहीं होता है, मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है, जीरो अंश प्लस माइनस थीटा और 360 अंश प्लस माइनस थीटा। जीरो अंश प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है, 360 अंश प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है, ये है ट्रिक। अब हम पूरे सूत्र को देखते हैं ध्यान से, ठीक, तो देखिए चेंज इनमें होता है इनमें नहीं होता है। अब हम सूत्र लिखना यहाँ से शुरू करते हैं, स्टार्ट। तो देखिए यहाँ फर्स्ट में क्या है, साइन 90 अंश माइनस थीटा। हाँ तो देखिए अब हम देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ आपको लिख दिया है साइन 90 अंश माइनस थीटा, कोस 90 अंश माइनस थीटा, टेन 90 अंश माइनस थीटा, कॉट 90 अंश माइनस थीटा, सेक 90 अंश माइनस थीटा, कासेक 90 अंश माइनस थीटा, ये सब सूत्र हैं, ठीक ना, फार्मूला हैं आपके। तो देखिए 90 अंश माइनस थीटा का अर्थ क्या हुआ, 90 अंश से कम, क्या हुआ 90 अंश से कम। अब मैंने आपको यहाँ जो दिखाया है प्रथम चतुर्थांश, सब ध्यान से देखिए, प्रथम चतुर्थांश में क्या है, जीरो से 90 अंश, क्या है जीरो से 90 अंश, जीरो से 90 अंश का अर्थ क्या हुआ 90 अंश से कम, तो यहाँ क्या है 90 अंश से कम। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि सभी फलन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मतलब सभी फलन यहाँ पॉजिटिव होंगे इनके सूत्र में, और चेंज किस में होते हैं वो भी मैंने यहाँ बताया है आपको, 90 अंश प्लस माइनस थीटा में चेंज होते हैं, तो यहाँ क्या है 90 अंश माइनस थीटा, मतलब यहाँ चेंज होगा। तो चेंज किस में होता है, साइन होता है आपका कास में चेंज, तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा कोस थीटा, और कोस चेंज होता है साइन में, यहाँ मैंने आपको बताया है, देखिए ध्यान से साइन चेंज होता है कोस में और कोस चेंज होता है साइन में, टेन कॉट में, कोट टेन में, सेक कासेक में, कासेक सेक में, और 90 और 270 में चेंज होते हैं, तो यहाँ 90 है, ठीक मतलब 90 है तो चेंज होंगे, तो यहाँ कोस 90 अंश माइनस थीटा साइन थीटा होगा, टेन 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा काट थीटा होगा, और फिर कोट 90 अंश माइनस थीटा टेन थीटा होगा, सेक 90 अंश माइनस थीटा कासेक थीटा होगा,
और कॉसेक 90° माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा। ठीक, और कहीं भी यहाँ सभी में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, मतलब नेगेटिव कहीं भी नहीं होगा। पॉजिटिव साइन को आप नहीं लिखेंगे तो पर भी चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन को लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव साइन को लिखना अनिवार्य होता है। तो यहाँ क्या है, प्रथम चतुर्थांश में है ये, क्योंकि 90° से कम है, क्योंकि 0 से 90° क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश। तो यहाँ सभी फलन क्या हो गए, पॉजिटिव। तो ये फार्मूला आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ 6 फार्मूला बन गए आपके। ठीक, अब इन्हीं को यदि हम प्लस कर दें, जैसे देखिए मैंने यहाँ किया हुआ है, साइन 90° प्लस थीटा, कोस 90° प्लस थीटा, टेन 90° प्लस थीटा, काट 90° प्लस थीटा, सेक 90° प्लस थीटा, कासेक 90° प्लस थीटा। अब इसमें क्या होंगे, ध्यान से देखिए, 90° प्लस थीटा कहने का अर्थ क्या है, 90° से अधिक। 90° प्लस थीटा मतलब 90° से अधिक। तो 90° से अधिक कहाँ है, देखिए सेकेंड चतुर्थांश, ध्यान से देखिए, 90 से 180 है। द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, 90 से 180। तो 90° प्लस थीटा है मतलब द्वितीय चतुर्थांश है, क्योंकि 90° से अधिक है, और 90° से कम प्रथम चतुर्थांश। और आपको चेंज कब कब होता है ये भी बताया है मैंने, कि 90 में चेंज होता है, 270 में चेंज होता है। तो इसको सबसे पहले आप चेंज कर लीजिए, सिंपल सी। देखिए साइन किस में चेंज होगा, कास में, तो कास थीटा हो जाएगा, कोस का साइन थीटा हो जाएगा, टेन का काट थीटा हो जाएगा, काट का टेन थीटा हो जाएगा, और सेक का कासेक थीटा हो जाएगा, कासेक का सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए कहाँ पॉजिटिव चिन्ह आएंगे, कहाँ नेगेटिव चिन्ह, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। देखिए द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कासेक पॉजिटिव होते हैं, मतलब प्लस होते हैं, बाकी अदर जितने भी फलन हैं वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। साइन और कासेक प्लस होते हैं, बाकी शेष माइनस होते हैं। तो साइन और कॉसेक हम यहाँ देख के प्लस कर लेते हैं। देखिए साइन कहाँ है, यहाँ है आपका, तो यहाँ साइन क्या है प्लस, कासेक कहाँ है, यहाँ है कासेक प्लस, और बाकी यहाँ जितने भी बचे वहाँ आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि हमारा द्वितीय चतुर्थांश बोलता है कि दो चिन्ह केवल प्लस होते हैं, बाकी शेष अदर माइनस होते हैं। यहाँ देखिए साइन और कासेक प्लस होते हैं, शेष अदर माइनस। तो यहाँ साइन के जगह प्लस, कासेक के जगह प्लस, बाकी अदर सभी माइनस होते हैं। तो साइन 90° माइनस थीटा क्या हुआ, माइनस कास थीटा। ठीक, ये आपका याद हो गया, 6 ये हो गया आपका, 6 ये हो गया, 12 फार्मूले आपके हो गए हैं। ठीक, 12 फार्मूले। अब हम देखते हैं आगे, आगे क्या होगा, 90° के बाद क्या आता है आपका, 180°। तो क्या होगा, साइन 180° माइनस थीटा। हाँ, तो देखिए अब आगे क्या है, साइन 180° माइनस थीटा, हमने 90° का देख लिया, मतलब 90° प्लस और माइनस थीटा का देख लिया, 90° प्लस थीटा और 90° माइनस थीटा। आप देखेंगे 180° माइनस थीटा, उसके बाद 180° प्लस थीटा। तो देखिए 180° माइनस थीटा का अर्थ क्या हुआ, 180° से कम, माइनस मतलब क्या होता है, कम मतलब घटाना। तो 180° माइनस थीटा मतलब 180° से कम। तो 180° से कम किस चतुर्थांश में है, तो देखिए द्वितीय में ही है, 90° से 180° के बीच, मतलब 180° से कम, तो द्वितीय चतुर्थांश में ही अभी होगा। ठीक, और 180° में मैंने यहाँ आपको बताया है कि यहाँ चेंज किस में होता है, 90 और 270 में। ठीक, यहाँ मैंने आपको बताना भूल गया है, 360° के बाद यहाँ 180° भी होता है, 180° प्लस माइनस थीटा। आपको चेंज केवल होता है 90° प्लस माइनस थीटा और 270° प्लस माइनस थीटा में, और 0, 360 और 180 इन तीनों में चेंज नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, फलन चेंज नहीं होगा, 180° है ना, तो यहाँ आपका फलन चेंज नहीं होगा। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, साइन का साइन ही लिखेंगे, मतलब साइन थीटा, और कोस 180° माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, टेन 180° माइनस थीटा थीटा बराबर टेन थीटा, काट 180° माइनस थीटा बराबर काट थीटा, सेक 180° माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कासेक 180° माइनस थीटा बराबर कासेक थीटा। ये तो आपने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब कहाँ प्लस का चिन्ह यूज करना है, कहाँ माइनस का चिन्ह यूज करना है, ये आपको यहाँ बताएगा। देखिए सेकेंड चतुर्थांश में है, क्योंकि 180° माइनस थीटा है, 180° माइनस थीटा मतलब 180° से कम। और यहाँ देखिए जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ 90 और 180° के बीच है, मतलब 180° से कम है। तो यहाँ साइन और कोसेक क्या होते हैं, प्लस में, बाकी अदर क्या होते हैं, माइनस में। तो साइन और कोसेक फलन को देख के हमको प्लस में करना है, बाकी सभी को माइनस में। तो यहाँ ध्यान से देखिए, साइन साइन यहाँ है आपका, साइन यहाँ है तो यहाँ प्लस में, उसके बाद कासेक कहाँ है, लास्ट में, तो कासेक प्लस में, बाकी शेष क्या हो जाएंगे, माइनस में। तो यहाँ माइनस लगा देते हैं हम, माइनस, ये हो गए आपके
छह फार्मूले इसके, मतलब कास 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, जबकि साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा होता है। ये कैसे हुआ आपको यहाँ से पता चल गया होगा, ठीक। नहीं पता चला होगा तो वीडियो को बैक करके मतलब पीछे करके फिर से एक बार देख सकते हैं। अब देखिए हमने क्या देखा, 180 अंश माइनस थीटा, अब हम देखेंगे 180 अंश प्लस थीटा, ठीक। यहाँ देखिए 180 अंश प्लस थीटा देखेंगे, उसके बाद साइन कोस टेन काट सेक कासेक सभी के 180 अंश प्लस थीटा देखेंगे, मतलब साइन 180 अंश प्लस थीटा, कास 180 अंश प्लस थीटा। तो 180 अंश प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ आपका, 180 अंश से अधिक, प्लस का मतलब क्या हुआ अधिक, तो 180 अंश से अधिक। अब हम देखते हैं यहाँ देखिए 180 अंश से अधिक और 270 अंश से कम किसमें है, तृतीय चतुर्थांश। यहाँ देखिए किसमें है, तृतीय चतुर्थांश, यहाँ गलती से लिखाया हुआ था इसको मैंने काट दिया है, तृतीय चतुर्थांश। तो ये किस चतुर्थांश में होगा आपका 180 अंश प्लस थीटा, तृतीय चतुर्थांश मतलब थर्ड कोआर्डिनेट, किसमें होगा थर्ड कोआर्डिनेट में होगा, ठीक 180 अंश से, क्योंकि ज्यादा है तो थर्ड कोआर्डिनेट में क्या होता है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम फलन देख लेते हैं चेंज होगा कि नहीं, तो 180 अंश प्लस माइनस थीटा में फलन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ भी फलन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ साइन का आपको साइन ही रखना है, साइन थीटा कास थीटा टेन का टेन थीटा काट का काट थीटा सेक का सेक थीटा का सेक थीटा, ये रख लिए हम। अब हमको देखना है प्लस माइनस, कहाँ प्लस लाएगा कहाँ माइनस लाएगा, तो तृतीय चतुर्थांश में हम देखते हैं, तो यहाँ देखिए तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट क्या होता है, टेन एंड कोट मतलब टेन और कोट में प्लस लगता है बाकी सभी में माइनस, तो हम यहाँ टेन और कोट देख लेते हैं कहाँ है, टेन कहाँ है, ये टेन है आपका टेन में प्लस, और कोट कहाँ है ये है यहाँ भी आपका प्लस, बाकी सभी जगह माइनस लग जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक। तो क्या होगा साइन 180 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, जबकि टेन 180 अंश प्लस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ठीक। ये भी आपके छह सूत्र हो गए। अब 180 अंश प्लस माइनस थीटा हमने देख लिया, 180 अंश माइनस थीटा 180 अंश प्लस थीटा, अब देखेंगे 270 अंश माइनस थीटा और 270 अंश प्लस थीटा। हाँ तो देखिए अब हम देखते हैं 270 अंश माइनस थीटा का, उसके बाद देखेंगे 270 अंश प्लस थीटा का, ठीक। धीरे धीरे छोड़ देना ना फिर तो, हाँ 270 अंश माइनस थीटा फिर 270 अंश प्लस थीटा का देखेंगे, क्योंकि 180 अंश माइनस प्लस थीटा का देख लिए। अब 270 अंश माइनस थीटा मतलब 270 अंश से कम, तो साइन सभी फलन ले लिए, 270 अंश माइनस थीटा मतलब 270 अंश से कम, तो 270 अंश से कम मतलब यही तृतीय चतुर्थांश ही आपका होगा, क्योंकि 180 अंश से 270 अंश के बीच है तृतीय चतुर्थांश, तो 270 अंश से कम मतलब तृतीय चतुर्थांश, ठीक। और हम यहाँ देख लेते हैं कि देखिए 90 और 270 अंश में फलन चेंज होता है, क्या होता है 90 और 270 अंश में फलन चेंज होता है, फलन मतलब फंक्शन जो साइन कोस होता है, ठीक। तो यहाँ 270 अंश है आपका मतलब क्या होगा चेंज होगा, तो सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं साइन किस में चेंज होता है कोस थीटा, कोस चेंज होता है आपका साइन थीटा, टेन चेंज होता है कोट थीटा में, और काट चेंज होता है टेन थीटा में, का सेक चेंज होता है कासेक थीटा में, और कासेक चेंज होता है सेक थीटा में, ये सारे हमने चेंज कर लिए, ठीक, क्योंकि 270 अंश में चेंज होते हैं। अब किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस लेना है इसको हम देखेंगे, कहाँ से दिखेगा यहाँ देखिए कौन से कोऑर्डिनेट में है मतलब कौन से निर्देश से चतुर्थांश में है, तो 270 अंश से कम तृतीय चतुर्थांश, तो तृतीय चतुर्थांश में हमने देखा टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है बाकी अदर नेगेटिव होते हैं, तो टेन और कोट के सामने अपने को प्लस लगाना है बाकी से सभी के सामने माइनस, तो यहाँ देख लेते हैं हम, देखिए टेन कहाँ है यहाँ है यहाँ प्लस और यहाँ कोट प्लस, ठीक। टेन और कोट के सामने हमने प्लस लगा दिया बाकी के सामने माइनस यहाँ लग जाएगा आपका, तो साइन 270 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा होता है, जबकि टेन 270 अंश माइनस थीटा बराबर प्लस कोट थीटा होता है, ठीक। यहाँ भी हम देखें तो देखिए यहाँ 270 अंश प्लस थीटा है तो 270 है, तो हम फलन को चेंज करेंगे, तो यहाँ हम फलन चेंज कर लेते हैं कोस थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा, टेन थीटा आपका हो जाएगा काट थीटा, और कोट थीटा आपका हो जाएगा टेन थीटा, फिर सेक थीटा आपका हो जाएगा कासेक थीटा, और कासेक थीटा आपका हो जाएगा सेक थीटा, ये तो हमने फलन चेंज कर लिया यहाँ, ठीक फलन चेंज कर लिए। अब हमको देखना है कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस, तो 270 अंश प्लस थीटा का मतलब क्या है 270 अंश से अधिक, ठीक 270 अंश से अधिक, तो हम तृतीय चतुर्थांश में क्या देखे थे कि 180 अंश से 270 अंश होता है मतलब 270 अंश से कम ही होगा या 270 अंश,
270 रन से अधिक किसमें होगा? उसके आगे वाले चतुर्थांश, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब फोर क्वाड्रिनेट, फोर्थ क्वाड्रिनेट में चतुर्थ चतुर्थांश में आपका 270 रन से अधिक होगा। तो चतुर्थ चतुर्थांश में हम क्या देखेंगे? कोश और शेक पॉजिटिव होता है, मतलब का शेक पॉजिटिव होता है और शेक पॉजिटिव होता है, बाकी शेष अदा क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, मतलब अन्य सभी फलन नेगेटिव होंगे। तो कोश और शेक के सामने हम पॉजिटिव यहाँ लगा देते हैं प्लस। यहाँ देखिए, यहाँ कोश है तो यहाँ प्लस लगा दिए, फिर आपका शेक है यहाँ नीचे तो यहाँ प्लस लगा दिए, उसके बाद शेष सभी नेगेटिव होते हैं तो सभी के सामने माइनस चिन्ह आपका लग गया। ठीक, सभी के सामने माइनस चिन्ह आपका लग गया। तो साइन 270 अंश प्लस थीटा बराबर होता है प्लस कोस थीटा, जबकि कोस 270 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, अब हमने 270 अंश प्लस और माइनस थीटा का देख लिया, अब हम देखेंगे 360 अंश प्लस थीटा और 360 अंश माइनस थीटा। तो चलिए, हाँ तो देखिए, अब हम देखेंगे, देखिए 270 अंश प्लस माइनस थीटा हमने देख लिया, आप देखेंगे 360 अंश माइनस थीटा, उसके बाद देखेंगे 360 अंश प्लस थीटा। तो देखिए 360 अंश माइनस थीटा मतलब क्या हुआ? 360 अंश से कम। 360 अंश माइनस थीटा का मतलब क्या है? 360 अंश से कम। और यहाँ हम देखते हैं, देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है? 270 अंश से 360 अंश, मतलब 360 अंश से कम है आपका चतुर्थ चतुर्थांश में। तो 360 अंश से कम में चतुर्थ चतुर्थांश हुआ, एक तो हमको ये पता चल गया। दूसरा हम देखेंगे तो 360 अंश में फलन चेंज नहीं होता है, नो चेंज है यहाँ, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब 360 अंश में फलन चेंज नहीं होगा। तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख सकते हैं, जैसे साइन 360 अंश माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, कास 360 अंश माइनस थीटा को कास थीटा लिख सकते हैं, टेन 360 अंश माइनस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, कोट 360 अंश माइनस थीटा को कोट थीटा लिख सकते हैं, सेक 360 अंश माइनस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, और कासेक 360 अंश माइनस थीटा को कासेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक, इसको लिख लिए ज्यों का त्यों। अब कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, उसके लिए हमको वो देखना है कि कौन से चतुर्थांश में है। तो हमने देखा कि ये कौन से चतुर्थांश में है, 360 अंश माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में। ठीक, क्योंकि 360 अंश से कम है, तो चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, मतलब प्लस होते हैं, बाकी से सदर फलन क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, मतलब माइनस होते हैं। तो कोस सेक के सामने प्लस लगा देते हैं, बाकी के सामने माइनस। तो यहाँ देखिए, कोस यहाँ है आपका कास, तो प्लस लगा दिए, और सेक आपका यहाँ है तो यहाँ प्लस लगा दिए, बाकी सभी के सामने आप माइनस लगा दीजिए। ये देखिए साइन 360 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, जबकि कोस 360 अंश माइनस थीटा बराबर प्लस कोस थीटा होता है। अब देखते हैं 360 अंश प्लस थीटा के लिए, तो आपका 360 अंश प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, आपको फलन तो चेंज होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे? साइन का साइन ही लिखेंगे, साइन थीटा, और कोस का आपका कोस थीटा लिखेंगे, क्योंकि फलन चेंज नहीं होगा। फिर टेन थीटा हम लिखेंगे यहाँ, फिर काट थीटा लिखेंगे, सेक का सेक थीटा लिखेंगे, और कासेक का कासेक थीटा यहाँ लिखेंगे। ठीक, ये हमने लिख लिया फलन को ज्यों का त्यों। अब कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस, उसके लिए अपने को चतुर्थांश देखना पड़ेगा, क्योंकि 360 अंश चेंज नहीं होता है। ठीक, चतुर्थांश देखेंगे, तो हम यहाँ सभी चतुर्थांश में देखें तो यहाँ देखिए क्या है, लास्ट में 360 अंश से कम है। अब हमें जानने वाली बात यह है कि 360 अंश से वहाँ तो ज़्यादा आ गया, 360 अंश प्लस थीटा, तो हम किस चतुर्थांश में लेंगे? तो जस्ट इसके आगे कौन सा चतुर्थांश है? इसके आगे है पहला चतुर्थांश, तो आप यहाँ से जस्ट जंप करेंगे, पहले चतुर्थांश में कूद जाएंगे। ठीक, तो ये आपका 360 अंश माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा? पहले चतुर्थांश में। ठीक, तो पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी फलन पॉजिटिव, मतलब प्लस होंगे। ठीक, तो आपको 360 अंश प्लस थीटा जहाँ भी रहे उसको आपको पहले चतुर्थांश में लेना है, फिर सभी फलन क्या होंगे? पॉजिटिव, मतलब सभी के सामने प्लस का चिन्ह रहेगा आपका। ठीक, यही हो गए आपके सभी फलन पॉजिटिव। तो ये आपके फार्मूला हो गए 360 अंश माइनस थीटा और 360 अंश प्लस थीटा के। अब देखिए हम गिन लेते हैं, मैंने 48 सूत्र जो आपको बोले थे वो है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 6 सूत्र आपके हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, 6 ये 12, उसके बाद 6 18 और 6 24 और 6 30 और 6 36, 6 आपका 42, 42 6 48, ये हुए आपके त्रिकोणमिति के 48 सूत्र। मात्र एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है आपको ये चतुर्थांश, आप एक बार याद कर सकते हैं, मतलब अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको यहाँ अच्छा ना लगा हो तो आप फिर से बैक करके पीछे जाके फिर से इसको देख सकते हैं, आपको
जरूर, मतलब ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको एक बार याद हो गया, एक बार समझ में आ गया तो आपको लाइफ टाइम भर आपको याद रहेगा, मतलब आप जब तक रहेंगे आपको याद रहेगा ये सूत्र कॉन्सेप्ट के तरीके से आप याद करेंगे तो, वरना आप कभी भी इसको याद नहीं कर पाएंगे। और चेंज वाला भी ये आप देख सकते हैं कहाँ चेंज होता है कहाँ नहीं होता है। तो ये थे आपके त्रिकोणमिति के 48 सूत्र। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारी मेहनत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।